आज मैंने पहना है एक प्यारा सा लहंगा, बेबी पिंक कलर का, उसके साथ ये दुपट्टा एंड ये मेरा गोल्डन कलर का ब्राउज, उसके साथ प्यारे से बैंगल्स और मेरे इयररिंग्स और एक छोटी सी बिंदी। अब ये तो डिज़ाइनर से पूछना पड़ेगा, उन्होंने मेरे लिए हमेशा से अच्छे अच्छे कपड़े डिज़ाइन किए हैं, और शायद वो इसलिए भी क्योंकि स्टार्टिंग में जब शो स्टार्ट हुआ तो दिखाया था कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ, तो शायद इसलिए वो मुझे सबसे अलग हमेशा कपड़े देते हैं ताकि मैं थोड़ी अलग लगूँ। मेंटेन तो खुद को कर ही लेते हैं, खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, बस देखना पड़ता है वेट गेन हो गया है या वेट लॉस हो गया है, फिर उसके हिसाब से अपनी डाइट चेंज करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है और अपनी स्किन का ध्यान रखना पड़ता है, बस यही सब, बाकी खुश रहते हैं। मैं ये बोलूँगी आपको जो खाना है आप खाओ, लेकिन लिमिट में, और बस आप ये देखो कि वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी ना हो। अगर आप कुछ अनहेल्दी खा रहे हो उसमें कुछ ना कुछ हेल्दी आप ऐड कर दो। आज बहुत सारा खाना खाने के लिए बोला गया था हमको। एक्चुअल में जो सीन है हमारे शो के अंदर, एक हनुमत है जिनकी एंट्री हुई है, छोटे से हनुमान जी जैसे क्यूट सा बच्चा है, तो उनको भूख लगती है, वो बहुत सारा खाना खाते हैं सीन में, तो हर किसी की पसंद का दिखाया कि खाना बनाए, पूरी सब्जी हलवा खीर, तो मैंने पूरी खाई, सब्जी खाई, उसके अलावा वो बच्चा जो उसने फ्रूट्स खा लिए, इतनी सारी सब्जी पूरी खीर सब खा लिया फिर भी उसकी भूख शांत नहीं होती है, एंड में उसको लड्डू खिलाते हैं, और लेकिन उसको इतना खाता हुआ देख के मैं डर जाती हूँ कि मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ कि जो मेरा होने वाला बच्चा होगा क्या वो भी इतना बड़ा भुक्कड़ होगा, इतना सारा खाना खाएगा, बट ऐसा नहीं होगा, मेरा बच्चा ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो थोड़ा अलग है। अभी तो पता नहीं, मैंने अभी तो अपने हस्बैंड को जेल भेज दिया है, वो जेल में है और अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं है, बीच बीच में हम लोग बच्चे की बात करते रहते हैं, सो लेट्स सी आगे क्या होगा। अब स्टोरी अगर आपको देखनी है तो उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। अभी भी भगा सकते हैं क्योंकि हम लोग अभी भी उसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो श्रद्धा का जो देवी वाला रूप है वही हमारे सामने लेकर आई है, इसलिए हम उसको अपने घर में रहने देते हैं, बट श्रद्धा और अभी और वरुण उन लोगों को उसकी सच्चाई पता है तो वो उसका साथ नहीं दे रहे हैं, बस कीर्ति उसका साथ दे रही है, तो एक ना एक दिन आएगा जब हम सबके सामने भी उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी और हम लोग वापस से उससे नफरत करेंगे और घर से बाहर निकाल देंगे। मैं एक्चुअली शो तो नहीं देखती, मैं अपना ही शो देख लेती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, एटलीस्ट हम देखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। मैं मूवीज़ देखती हूँ ज़्यादातर जब भी मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि मुझे टीवी देखने का बहुत शौक है, मैं तो जब भी फ्री होती हूँ, अगर मेरा कभी ऑफ होता है, इवन यहाँ से जाने के बाद पैकअप के बाद भी मैं हमेशा खाना खाते टाइम तो टीवी देखती ही देखती हूँ। ऐसा तो एक्चुअली मेरी फेवरेट मूवी है DDLJ, तो मैं उसमें सिमरन का रोल प्ले करना चाहती हूँ, अब वो पॉसिबल है या नहीं पता नहीं, लेकिन आई कैन होप। मैं अपोजिट में तो मैंने सच में नहीं सोचा है, मैंने सिर्फ जैसे कि वो अपने राज का वेट कर रही थी तो मैं भी वेट कर रही हूँ, अब देखो कौन राज बन के आता है, और वो भी अगर DDLJ 2 बनी तो, क्योंकि DDLJ जो है वो एक अलग ही लेजेंडरी मूवी है, मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल होगा, बट ऑलवेज हैव योर होप। मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि आप हमारे शो को और मुझे, डॉली कौशिक को, आरती को अपना ऐसे ढेर सारा प्यार देते रहिए और हमारे शो को देखते रहिए। अगर आपको कुछ भी कहना है आप कमेंट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। हाय, दिस इज़ डॉली कौशिक विद ग्लिटर एंड ग्लैमर।